वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी वीडियो है जो वो है कद्दू दाल। कद्दू दाल यूँ तो आपने बहुत तरह से खाए होंगे, पर आज बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और एकदम लाजवाब बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने कद्दू और दाल को अच्छे से धो के, कद्दू को काट के और जो टमाटर प्याज सब कुछ डालना था वो मैंने सब एक प्लेट में रेडी कर दिया है। और आपको अब क्या करना है, इसके ऊपर से जो मसाले डालने हैं मैं वो भी डाल रही हूँ। मसालों में मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा डालूंगी मैं धनिया पाउडर। तो इसी तरह से जितने आपको लगता है आप उतने मसाले डाल सकते हो आपकी सब्ज़ी के हिसाब से। तो मैंने जो भी सब्ज़ी रेडी कर रखी मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल ली हूँ, आप देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये सब कुछ हो गया है रेडी। तो अब मैं इसके ऊपर फाइनली थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डालने के बाद मेरी सारे मसाले रेडी हो गए हैं और आप देख रहे हो ये देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं, और जब आप इसको कुकर में बनाओगे तो ये और भी बढ़िया लगेंगे। तो फाइनली मैं चल रही हूँ गैस की तरफ। तो मैंने कुकर को गैस पे रख दिया था, तेल गरम हो चुका है, तेल में मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा हमारा तड़क चुका है। तो अब क्या करना है कि मैंने ऐसे ही सारी चने की दाल उठा के डाल दी है कुकर में, और इसी तरह से जितना मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची और जितना मसाले डाले थे वो भी सारे मैंने कुकर में डाल दिया है। कुकर में डाल के मैंने सीटी दिलवा दी है। सीटी दिलवाने के बाद आप देख रहे हो मेरा सब्ज़ी कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुकी है। और इधर हमने एक पैन रख लिया है गैस के ऊपर। गैस के ऊपर पैन रख के मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं इसके अंदर तड़का लगाऊंगी। फ्रेंड्स, तड़का लगाने के बाद कद्दू चने का लुक एकदम से बदल जाएगा और सच में फ्रेंड्स ये खाने में भी बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया एक छोटा सा तेज़पत और मैंने गैस को बंद कर दिया है। तेल को थोड़ा सा ठंडा कर दिया और मैंने डाल दिया इसमें रेड चिल्ली पाउडर। जो तेल को मैंने ठंडा करके देगी लाल मिर्च मैंने डाल दी है थोड़ी सी, और ऐसे ही मैं अब इसको अब डाल दूँगी। पहले कद्दू की बनाई हुई जो सब्ज़ी है उसको मैं एक बाउल में डाल दूँगी। बाउल में डालने के बाद आपको दिखाऊँगी मैं इस तरह से लग रही है। तो फ्रेंड, मैंने इसको बाउल में डाल दी है और अब इसके अंदर मैंने जो तड़का बनाया है मैं उसके अंदर डाल दूँगी। और तड़का बनाते ही इसकी एकदम से रंगत चेंज हो जाएगी और सच में ये बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो मैं आपके सामने ही डाल रही हूँ, और मैंने इसको चम्मच की सहायता से थोड़ा सा फैला दिया है तड़के को। और अब आप ही बताइए आपको ये कैसा लगा है। तो देखिए, है ना डिलीशियस बना है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।